तो हम आज सुबह निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं और जाएंगे हम आज साला से, और पैकिंग जो है वो जारी है, कुछ लोग सो रहे हैं और पैकिंग भी कर लेंगे। तैयार हो चुके हैं, मेकअप कर चुके हैं, साथ वाले रूम वाले आधे लोग नहा चुके हैं, आधे बाकी हैं, गए हुए नहाने, तो देखते हैं आगे का सफर कैसा रहने वाला है। हम अपना लगेज लेके चेकआउट कर रहे हैं, जाएंगे। इस टाइम पैदल जो यात्री हैं वो तो काफ़ी कम है और धूप बहुत तेज़ है, गर्मी भी लग रही है, नो डाउट आज थोड़ी सी हवा है तो बेटर है। ये लोग अभी सामान लगेज जो है सारा का सारा गाड़ी में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, सामान ज़्यादा हो गया पर चलो जाते हुए भावना का तो उतर ही जाएगा। हेलो दोस्तों, ये छोटी साली कितनी बड़ी हो गई है, देखो दोस्तों हम आपको आज लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ से निकलते हुए भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो गाड़ियाँ काफ़ी सारी खड़ी हैं, और जैसे ही ट्रैफिक ख़त्म हुआ वैसे ही हम चल दिए तेज़ तेज़। ये देख रहे हैं आप, और ये देख रहे हैं यहाँ जुगाड़ कैसे लगाया गया है। तौलिया जो था वो गीला था और यहाँ रख दिया, धूप लग रही है पूरी अच्छी और ये सूख जाएगा पूरे रास्ते में। सारे रास्ते हम बातें करते गए, मज़े करते गए, और पापा काफ़ी सारी जानकारी वाली बातें भी बीच बीच में बता रहे थे, और हमने सफ़र को पूरा इन्जॉय किया। पुष्कर जाने की पूरी एक्साइटमेंट है और फिर भावना को छोड़ना भी तो है। ये जा रहे हैं आज हम सिकर, तो रास्ता जो है काफ़ी अच्छा है। पापा कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? यहाँ तो मैं फर्स्ट टाइम आया था 93 में, और सब तो सर कैसी थी? ऐसी रेत था, जहाँ से सवेरे आते थे सब लोग हमें बिल्कुल अभी रेत पड़ा था। अच्छा हाँ, पैसे कितना पड़ता था? अब तो काफी अच्छा है, रेत चल होता था, अब तो उसके बाद 2000 के बाद हाँ। में सुधार हुआ है हाँ। अच्छा लगता है। अब पिछले 4-5 साल में तो जबरदस्त क्रांति आई है, ये राजस्थान में भी आई है और पूरे इंडिया में भी आई है। जब से ट्रांसपोर्टेशन का काम आया तब से, अब देखो ना इधर जम्मू तक, अभी कहते हैं आगे अमरनाथ तक करते करके अमरनाथ तक सड़क पहुँचाऊंगा बहुत देर। अच्छा हाँ, तो यहाँ की सड़कों बहुत अच्छी, यहाँ तो पहले से शुरू होती है दो रोड, 2005-6 के आसपास जो बठिंडा से रतनगढ़ आती है वो रोड बहुत अच्छी रोड है। अभी ये रास्ता सिकरी कहाँ जा रहा है? सिकर, ये रास्ता यहाँ सिकर से होते हुए आगे रतनगढ़ बठिंडा। अच्छा, और हमें जाना है साला सर, साला सर जाने वाले इसी रास्ते से। और आप यहाँ कितनी बार आए हो? 2-3 बार, ये वाले पीछे वाले। हाँ, तो आपने भी ड्राइव किया इस रास्ते पे बाइक पे भी? स्वेनी क्यों रुकी है तू यहाँ? खाना खाएगी, भूख लग गई। क्या हो रही है? कैसे होती है वो? पुल 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 पुल। आपके में भी हो रही है? कौन मेकिंग लाइफ राजधानी कितना मसाला? ये सालासर का एंट्रेंस गेट आ गया है और सालासर पहुंचने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, और जाके जल्दी जल्दी मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। रात तो ये रेत कम दिखाई दे रहा था, अब तो जगह जगह दिख रहा है। यहाँ ना पेड़ भी ऐसे छोटे छोटे किक्कर के पेड़ जो पानी कम यूज करते हो, कम पत्तों वाले। चाय पानी पीते हैं फिर दोबारा अपना जो जर्नी है कंटिन्यू करेंगे। चाय पानी पी के हम दोबारा चल दिए और पहुंचने ही वाले हैं सालासर। ये लो जी, सालासर हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ क्या हुआ था कि कई साल पहले ना एक कोई किसान था जो खेतों में काम कर रहा था, खेतों में काम करते हुए उसे एक पत्थर मिला जो कि निकालने में पता लगा कि वो बालाजी की मूर्ति है, जैसे कि आपको ये ऊपर फोटो दिखाई दे रही है ऐसी मूर्ति उसे मिली। उसी समय पे उसकी वाइफ जो है वो यहाँ आई खाना लेके, जो चूरमा लेके आई और बाजरे की रोटी लेके आई, और उसी समय उस किसान ने उस पे उसका भोग लगा दिया बालाजी को। तब से बस यहाँ इसको मानने लगे, रिचुअल बन गया चूरमे का और उसका भोग लगाने का एक रिचुअल बन गया, यहाँ मंदिर बना दिया। ये मार्केट है सारी यहाँ की, सालासर एक गाँव था पहले, हाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है ये, तो यहाँ काफी मानते हैं इनको। और ये एक इंडिया में खाली यही ऐसा है कि बालाजी के दाढ़ी और मूछ है, बाकी किसी आपको मूर्ति में नहीं दिखेगी, फोटो में नहीं दिखेगी, किसी धाम में आपको ऐसा नहीं दिखेगा जैसा यहाँ है। यहाँ जो है ना शनिवार को ज्यादा रश होता है, आज तो खैर संडे है बट आज भी रश तो है ही, है ना। और खाटू श्याम से ये लगभग 120 किलोमीटर दूरी पे है, खाटू श्याम जी का मंदिर हम दर्शन करके आए हैं जहाँ, तो वहाँ से 120 किलोमीटर है। और कई जगह से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, चूरू से रास्ता है, सीकर से है, और कहाँ से है पापा? अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ आ सकते हैं दर्शन करने। ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक कह लो या बस जगह थोड़ी है। यहाँ पे लड्डू का प्रसाद लगाया जाता है और साथ में चूरमा वगैरह बुदाना लगा देते हैं, और इसकी एंट्रेंस इस साइड से है। काफी सारी पार्किंग मिल जाएगी, यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करो, दर्शन करो और आ जाओ। यहाँ पार्किंग है वो चौधरी पार्किंग लिखा हुआ है, जहाँ यूजली हम जब भी आते हैं वहीं पे पार्क करते हैं, और आज भी कोशिश वहीं करेंगे। यहाँ से मंदिर का रास्ता है, आपको दिखाई दे रहा है निशान बना हुआ, चलो पार्किंग करके। ऐसी ना जैसे ये पार्किंग है ऐसी काफी सारी है यहाँ, बस यहाँ पार्क करो, लाइन में लगो, दर्शन करके आ जाओ, अपनी गाड़ी ले जाओ।
गाड़ी पार्क करके हम मंदिर की तरफ दर्शन करने चल दिए और भावना देखो कितनी तेज 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 भाग रही है पापा के साथ। हो ये यहाँ से मंदिर की एंट्रेंस है, काफी ज्यादा रश आज। बाहर मार्केट से प्रसाद मिल जाता है पर हम अंदर से लेंगे, जूते चप्पल भी अंदर ही उतरेंगे। हाथ धोने का भी बना रखा है यहाँ, जूता घर सामान व्हील चेयर सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है अंदर ही। यहाँ पे शूज उतार दो, टोकन ले लो, जब वापस आओगे टोकन देके अपने शूज ले जाओ। ये ऐसे एक थैले में साथ में पैक करा लेते हैं। हमने अपनी सारी फैमिली के इसमें डाल दिए, नंबर इन्होंने हमें बता दिया। आज तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, होती है वैसे। हाँ यहाँ से प्रसाद मिल जाता है, आप चाहे लड्डू ले लो, चूरमा ले लो, पेड़ वगैरह भी यहाँ शायद ऐसे मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि हम तो लड्डू का ही लेते हैं यूजली। यहाँ से एंट्री है, जो लोग मुंडन वगैरह करवाते हैं ना यहाँ आते हैं लोग मुंडन वगैरह करवाने, शायद आज भी कोई ना कोई होगा वहाँ। ये देखो एक बच्चे का हो रहा है। प्रसाद लेके हम लाइन में लगने के लिए चल दिए और ये लाइन में लग चुके हैं। यहाँ ना काफी सारी ऐसे लाइंस बना दी जाती हैं डिवाइडर से खड़े करके, और यहाँ पानी भी पीने को मिलता है थैलियों में, थैलियाँ लोग वहीं की वहीं गिरा देते हैं। और रश ठीक ठीक है, और देखा आपने पीछे कूलर लगा हुआ था, ऐसे जगह जगह ना यहाँ कूलर लगे हुए हैं ताकि लोगों को गर्मी ना लगे, किसी को चक्कर ना आए, और चलते रहने से भी चक्कर जो है कम आते। भीड़ तो है भैया काफी सारी, या पंखों का इंतजाम कर रखा है, ऊपर शेड है, धूप से बचा हुआ है, बारिश से भी बचा हुआ है, और ये रेलिंग के अंदर घुमा घुमा के दर्शन करा रहे हैं। व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, पीछे लकड़ी लगा रखी है। इतनी सारी चप्पल जूते ऐसे रखे हैं ना, ये काफी दिक्कत देने वाला है। पहले काफी भीड़ थी इसकी वजह से और परेशानी हुई। अंदर जगह है, अंदर रखो, वो पूरा प्रॉपर आपको थैला देंगे, और अपने परिवार के सबके जूते एक साथ रखे जा सकते हैं। काफी सारी दुकानें हैं जिनसे आप भागे ले सकते हैं, सिंदूर, मूर्तियाँ, भगवान का सामान, श्रृंगार का सामान, और यहाँ की फेमस होती है चूड़ियाँ। यूजली यहाँ से चूड़ियाँ, नेकलेस, इयररिंग्स वगैरह लेके जाते हैं लोग। कई साल पहले यहाँ आए होंगे, ऊपर बैठ के हमने खाना खाया था यहाँ, दाल बाटी चूरमा, आज फिर वहीं जा रहे हैं। क्या अब बता फ्री है? ये वही खा रहे हैं दाल बाटी चूरमा। अब इसको कैसे बनाते हैं हमने एक वीडियो में भी देखा था। हाँ, कि पहले से लो, फिर इसमें दाल डालो। साला सर से निकल के अब हम जा रहे हैं पुष्कर, पुष्कर में जाके वहाँ जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे। पानी भर रहे हैं इस कुएं से? अच्छा, ये टंकी बनाई हुई है, अच्छा मोटर रखी है, और इसमें से पानी भर लेंगे। गाड़ी में हवा पेट्रोल डलवाने का काम जारी है। ये देखो कुछ लोगों ने बॉटल कैसे टांग रखी है भाई, बॉटल टांगने की जगह। हम एक ढाबे पे रुके हैं चाय पानी, ये देखो कुछ ऐसा है, ट्रक लगा रखा है भाई इन्होंने अपने, और मामे का ढाबा, और कुछ ऐसा नजारा है इस टाइम पे, सूरज ढल रहा है। और ये क्या, ये तो गाड़ी हमारी मम्मी को आंखें मार रही है। मम्मी तुम्हें मजे ले रहे हो मामे के ढाबे के? किसका मामा है, किसका मामा है? फैमिली के साथ जाते हुए कभी भी गूगल मैप पकड़ के खुद मत बैठो, क्योंकि वो रास्ता जो है कई बार गलत दिखा देता है और सब आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, दो रास्ते दिखा रहा था, इन सबसे पूछा भी कि मैं ये वाला रास्ता आप लोगों को डायरेक्ट करूँ, इन लोगों ने सबने हाँ कहा, और फिर मेरे को ब्लेम किया कि तूने गलत रास्ता बताया। रात को क्या बोल रहा हूँ, जिन अंकल ने हमें वहां बताया था ना कि आगे देखने को क्या क्या है, वो हमारा पीछा करते हुए हमारे होटल तक आए कि आप लोग मुझे अपना गाइड बनाओ, 100 रुपए दो, मैं आपको होटल भी ढूंढ के दूंगा और आप लोगों को पूरा पुष्कर भी घुमाऊंगा।